किसान बहनों और भाइयों नमस्कार। जैसे कि अक्टूबर के चौथे हफ्ते से गेहूं की बुवाई शुरू हो जाएगी, तो भारत की प्रमुख कृषि खोज संस्था भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान IIWBR करनाल द्वारा विकसित गेहूं की कुछ नवीनतम किस्मों पर एक नज़र डालते हैं। IIWBR केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली का एक हिस्सा है। IIWBR की कुछ नई किस्में हैं करण नरेंद्र DBW 222। इसकी बुवाई की सिफारिश भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में की गई है। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कोटा और उदयपुर मंडलों को छोड़कर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश झांसी मंडल को छोड़कर, जम्मू कश्मीर के जम्मू और कठुआ ज़िले, हिमाचल प्रदेश का ऊना ज़िला और सिरमौर ज़िला की पांवटा घाटी और उत्तराखंड का तराई क्षेत्र शामिल है। इसकी औसत उपज है 24.52 क्विंटल प्रति एकड़ और यह करीब 143 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। करण वंदना DBW 187 उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में बुवाई के लिए इस किस्म की सिफारिश की गई है। DBW 187 की औसत उपज 24.72 क्विंटल प्रति एकड़ है और यह 148 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। करण वंदना DBW 187 पूर्वोत्तर मैदानी क्षेत्रों के लिए। पूर्वोत्तर मैदानी क्षेत्रों के लिए जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के मैदान शामिल हैं। इसकी औसत उपज 19.52 क्विंटल प्रति एकड़ है और यह करीब 120 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। करण श्रिया DBW 252 पूर्वोत्तर मैदानी क्षेत्रों के लिए इस किस्म की सिफारिश की गई है। इसकी औसत उपज 13.86 क्विंटल प्रति एकड़ है और यह करीब 127 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। DDW 47 ड्यूरम मध्य क्षेत्र में बुवाई के लिए ड्यूरम या कठिया गेहूं की इस किस्म की सिफारिश की गई है। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान का कोटा और उदयपुर मंडल और उत्तर प्रदेश का झांसी मंडल शामिल है। इसकी औसत उपज 14.92 क्विंटल प्रति एकड़ है और यह करीब 121 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह सभी किस्में सिंचित समय पर बुवाई की परिस्थितियों के लिए हैं। जानकारी के लिए किसान IIWBR के टोल फ्री नंबर 1800 180 1890 पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन करने का समय है सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। धन्यवाद।